दमबुख कैसे आया आपके पास? दमबुख तो पता नहीं एक्चुअली कहाँ से आया. आई वॉज इन कराची शूटिंग फॉर ख्वाब सराय एंड मुझे कॉल आई कि लिटरली एक हफ्ते बाद शूट है और काशिफ भाई डायरेक्ट कर रहे हैं और दमबुख नाम है और नमान एजाज है. तो और मेरा रैप अप हो रहा था ख्वाब सराय. आई वॉज रैपिंग अप. आई वॉज फ्लाइंग बैक टू लाहौर. आई यूज़ टू लिव इन लाहौर बैक देन. मैंने कहा अच्छा, ना स्क्रिप्ट मेरे पास ना कुछ. तो हफ्ते के बाद आई वेंट स्ट्रेट टू द सेट. ठीक है. मतलब आई डोंट नो व्हाई, आई स्टिल डोंट नो व्हाई कि काशिफ भाई को क्यों लगा कि मैं कुलसुम का कैरेक्टर कर सकूंगी. आई स्टिल डोंट नो व्हाई. आई स्टिल नीड टू आस्क हिम दैट. बट आई वेंट ऑन सेट और उन्होंने मुझे वो पूरा उस कैरेक्टर का बताया कि बुर्का लेती है, काजल लगाती है और उसका एक डायलॉग है कि इतनी बुरी नाक छुपा रही हो और इतनी प्यारी आंखें दिखा रही हो. सो दैट्स एक्चुअली मुझे लगता है मेरे लिए लिखा गया बिकॉज आई हैव अ बैड नोज. आई डोंट थिंक सो. आई जेन्युइनली थिंक कि मेरे लिए लिखा गया था. बट या आई वेंट ऑन सेट एंड इट्स स्टार्टेड. एंड इससे पहले नहीं पूरा पढ़ा था. मैंने नहीं पढ़ा था. अच्छा. और सेट पे पहुंची हो तभी आपने शुरू कर दिया. एग्जैक्टली. और फिर कुछ दिनों के बाद मेरा पहला सीन था नोमी भाई के साथ. क्या स्ट्रेस था, क्या एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट क्या थी? आई डोंट नो, रोलर कोस्टर था इमोशंस का. लाइक और पहला सीन काशिफ भाई ने मेरा उनके साथ रखा था कि वो मेरे पास आते हैं और मैं यूं करके खड़ी हुई हूँ और वो आके बस नो डायलॉग्स नो नथिंग. मैं ऐसे बस खड़ी हुई हूँ और वो आके मेरा हाथ पकड़ते हैं और ही इज दिस क्लोज टू मी. मैं लिटरली आई वाज लाइक शेकिंग एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस मैन, इनकी एनर्जी, इनका ऑरा, इनका कैरेक्टर लेजेंड है यार. और अभी सलाम दुआ भी नहीं उस तरह से हुई. मतलब और काशिफ भाई ने आई थिंक जान के वो सीन रखा होगा जस्ट टू सी क्या किस तरह कितना ले सकते हो. उन्होंने कहा एक ही दफा, वो कहते हैं ना फेंक दो समंदर में तो खुद ही तैरना सीख जाएगी. उन्होंने कहा डाल दो इसको, ये सर्वाइव कर लेगी. लेकिन फिर इन द एंड काशिफ भाई इज ग्रेट, नुमान भाई इज ग्रेट. दोनों आपको इतना सिखाते हैं कि आप इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं. दे बोथ आर सो हम्बल. दे वांट यू टू लर्न. सबसे अच्छी जो उनकी बात है, दे वांट यू टू लर्न. उन्होंने मुझे भी सिखाया, उन्होंने बिलाल को भी सिखाया, उन्होंने आमना को भी सिखाया. जितने भी हमने बच्चे थे उस सीरियल में, उन सबको सिखाया और हम सबकी इतनी अच्छी बेस बना दी, बेस बन गई. और एक्चुअली में वो फैमिली बहुत बड़ी थी दमपुख में, काफ़ी बड़ा. एक्चुअली फेल्ट लाइक अ फैमिली. एंड दमपुख करते हुए भी मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि ये क्या बनने जा रहा है. अनफॉर्चुनेटली उसको उतनी हाइप नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी. बट स्टिल इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स. और फिर ओर अंग्रेजा वो कैसे हुआ? वो भी बस इसी तरह हो गया. पर उसमें आपका यू वर नॉट वन ऑफ द लीड्स एज सच. नो, बट आई वाज हैप्पी टू शेयर स्क्रीन विद सज्जल एंड नुमान भाई अगेन. तो कंसर्न नहीं था कि अब तो मैं लीड कर रही हूं अब मुझे ये नॉट इवन फॉर अ सेकंड. आई डिडंट थिंक अबाउट इट बिकॉज आई यू सी कैरेक्टर था वो कोई बस ऐसे वैसा कैरेक्टर नहीं था. वो कैरेक्टर जो था वो स्टोरी आगे लेके जा रहा था. एंड आई लाइक, मुझे याद है उसमें ड्रेसिंग आपकी प्रॉपर्ली वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था. वो बाहर से एक लड़की आई थी, शी इज हिंदू. जो वो कैरेक्टर था शी वाज हिंदू और वो उसका हाथ था, वो स्टोरी आगे लेके जा रही थी. एंड देन अगेन शेयरिंग स्क्रीन विद सज्जल एंड नोमी भाई इज अगेन एन ऑनर. तो आई डिडंट इवन थिंक कि ये लीड नहीं है या ये नहीं है. नो आई डिडंट. ये बताएं कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने, क्या एजुकेशन है, कैसे ये चांस कैसे मिला आपको 2015 में? कैसे ख्याल आया कि मैं ये करूँ? लाइक आई सेड, मेरा कोई मूड नहीं था, कोई भी इरादा नहीं था. आई डिड माई बैचलर्स इन आर्ट्स फ्रॉम LCWU लाहौर. ओके. और वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, शी वॉज गोइंग फॉर एन ऑडिशन. ओके. एंड शी सेड के चलो तुम भी चलो साथ, बिकॉज आई वॉज मॉडलिंग उससे थोड़े से पहले. मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी ऐसे. वो भी करके मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट फॉर मी अगेन, माई माइंड इज क्रेजी. तो उसने कहा चलो, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, तुमने कुछ अगर डिफरेंट करना है तो आई एम गोइंग फॉर एन ऑडिशन जियो पे. तो चलो लेट्स सी क्या क्या बनता है. दे आर लुकिंग फॉर एन एक्स्ट्रा. ओके.
ओके चलो एक्सपीरियंस ही सही, लेट्स गो. आई वेंट और जियो के ऑफिस हम जाते हैं और वो उन्होंने स्क्रिप्ट दिए हमें एक्स्ट्रा का, एक एक लाइन थी एंड ऑल दैट. उन्होंने मुझे कहा आप कल फिर आइएगा लाइन सुनने के बाद. हाँ लाइन ठीक है. उसके बाद बहुत बुरी बोली मैंने, उन्होंने कहा आप कल फिर आइएगा. ओके तो मैं कल फिर गई तो उन्होंने मुझे एक और स्क्रिप्ट दिया और उसके अंदर सिर्फ एक लाइन थी जो कि अब बाद में मुझे पता चला वो लाइन जो थी वो उस ड्रामे का टर्न ओवर पॉइंट था. ओके व्हेन दिस दैट कैरेक्टर सेज दैट लाइन तो वो एक ट्विस्ट आ रहा था ड्रामे में. सो आई थॉट क्या एक्स्ट्रा की लाइन होगी मुझसे बुलवा रहे हैं. उन्होंने कहा जितना इसको प्रैक्टिस करके इमोशंस के साथ बोल सकती हो बोल दो. आई वाज लाइक ओके तो वो मैंने बोल दी और फिर वो सब साइड पे गए ऐसे ऐसे बातें की. आप पढ़ के देख रही हैं, आप बैठी हुई लॉस्ट हैं और साइड पे लोग तीन लोग ना आगे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं. और 10 मिनट बाद देखिए मैं देखिए मी इतना बड़ा वो थद्दा दे वर लाइक वुड यू लाइक टू डू द लीड इन दिस. मैं जानना चाह रही हूँ उस वक्त आपके क्या हाल थे, आप भी शो के करने वाली थी. I didn't even know what lead was, I didn't even know what supporting was, I didn't even know extra क्या है, ये सब कुछ क्या होता है. मुझे तो पता भी नहीं था. I was like, lead? क्या मतलब? What? Explain this to me. चक्कर सा आ रहा होगा ना? What are you talking about? And they were like, ये बस हमें आप पसंद आए हैं, you fit in this character, you talk well, तो आप को how we want you to do this. और ये ड्रामे का नाम है? ये है, this was a soap, अली अब्बास के साथ मेरा पहला और उनका भी पहला था. माइके को दे दो संदेश. Okay. So this, I was like, okay, I went home. मैंने फिर सबसे डिस्कस किया कि क्या करें, should I do it? घर वाले भी परेशान होंगे कि out of the blue कहाँ से ये चीज़ आ गई है. और ये तो अच्छा वाला पढ़ रही थी, direction में जा रही थी. But thank God, my family, they're very supportive. They believe in me. तो उन्होंने कहा अच्छा चलो करना तो कर लो, इट्स फाइन बट यू नो योर लिमिट्स एंड टाइम से घर आना और ये वो तो बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं होता. तो ओके सो फिर मैंने उनको डन किया और फिर वी वेंट ऑन सेट. और उस वक्त तो मुझे वाकई में कुछ नहीं पता था अबाउट एक्टिंग, आई डिडंट नो एनीथिंग. तो सिंस आई वाज प्लेइंग अगेन द लीड और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, आई डोंट बिलीव इन सच वर्ड्स लीड और ये और वो. तो उन्होंने कहा आप आए पहले 2 दिन तो उन्होंने मुझे बैठा के रखा. उन्होंने कहा आप देखें ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे बोलते हैं, यूं करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है. पहले मास्टर बनता हाँ उन्होंने कहा पहले मास्टर बनता है फिर कभी 2 शॉट भी बनता है, फिर कभी क्लोजेस भी होते हैं और लाइट्स ऐसे लगती हैं, पॉलीज ऐसे लगती हैं. एक्सप्लेन एवरीथिंग टू मी द होल सिस्टम. या आई वाज लाइक ओके गुड एंड आई एम अ क्विक लर्नर. मैंने कहा चले थर्ड डे, आई वाज लाइक लेट्स डू दिस. और पहली दफ़ा कैमरा के सामने आई एंड आई वाज लाइक ब्लैंक, इतने सारे लोग देखेंगे, लाइक एवरीवन इज लुकिंग एट मी, व्हाई. फिर सबके मुंह उधर करवाए और फिर मेरे लाइन पे फिर आहिस्ता आहिस्ता आई बिकेम कम्फर्टेबल बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंट्रोवर्ट. मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता कि कहीं 10 लोगों के बीच में मैं कहीं बैठी रहूँ तो मैं ऐसी बैठी रहूँगी. आई एम नॉट द सॉर्ट के बातें करूँ या कुछ इस तरह. ये तो अब थोड़ा सा वो यूज्ड टू हुई सेट पे कर करके. वैसे आप जिससे भी पूछेंगे ना वो कहेंगे हमें तो लगा था कि तुम तो तुम्हारे में तो बहुत एटीट्यूड था. जब फिर बाद में जब दोस्ती हो जाती है फिर बाद में लोग बताते हैं ना कि हमें तो लगा था तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसे थी, किसी से बात नहीं करते. नहीं आई एम जस्ट एन इंट्रोवर्ट, दैट्स इट. बट आई कैन कम्प्लीटली इमेजिन कि इंसान जिसने कभी सोचा नहीं है कैमरे के सामने आके इतने लोगों के सामने कोई कभी फनी कभी रोने वाली बात सुने, एंड आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ता है. और आप सोचते भी हैं मैं कैसी लग रही होंगी इस वक्त, यू नो. तो आई रियली एडमायर यू गाइस, ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोग बड़े बहादुर लोग हैं आप लोग. तो ये तो हो गया कि ड्रामे में आने का कैसा. लेकिन बचपन में मुझे मालूम है कि आप और आपके भाई जो हैं, कितने भाई हैं आप लोग? मेरे 3 भाई हैं, मैं एक ही बहन हूँ. वाह अकलौती. फिर तो आप बहुत लाडली होंगी. सबसे छोटी भी हूँ ना और वो टॉमबॉय भी होंगी. उफ है ना, जाऊंगा आऊंगा खाऊंगा. 13-14 तक आई वाज दैट. अच्छा. एंड सबसे छोटी हैं ना? सबसे छोटी हूँ. तो भाइयों से क्या रोक जमाने वाले हैं या? हाँ बचपन
बचपन में बहुत उनको डांटे पड़वाई हैं, बहुत उनके सीक्रेट्स बताए हैं अम्मा अब्बा को, काफ़ी कुछ उनके साथ किया।